हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस ट्यूटोरियल में हम पॉलिश स्ट्रिंग समझेंगे कि पॉलिश स्ट्रिंग कितने टाइप्स की होती है और उनमें किस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। ये सारा टॉपिक आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इस ट्यूटोरियल को एंड तक देखना। ओके, सो ऑलरेडी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के जो ट्यूटोरियल्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो मैं कवर कर चुका हूँ। उन सब के लिंक आपको इस ट्यूटोरियल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके चेकआउट कर लीजिए। ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है ये पॉलिश स्ट्रिंग, स्टैक्स एंड क्यूज का। तो पॉलिश स्ट्रिंग होती क्या है? असल में हम मैथ में कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, ओके, तो उसे एरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। एरिथमेटिक एक्सप्रेशन, जैसे ये देखो, ये जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ये एक एरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, आपने मैथ में करा होगा। लेकिन कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग में, जब हम ये एरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो जो इंटरप्रेटर है वो उसे नहीं समझ पाता। ओके, तो इंटरप्रेटर यानी कि कंप्यूटर उस एरिथमेटिक एक्सप्रेशन को समझे कि, तो उसके लिए हम उस एरिथमेटिक एक्सप्रेशन को या तो पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं या प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हैं, और यह काम जो है वो ऑटोमेटिकली होता है, ओके, पाइथन के इंटरप्रेटर के अंदर। तो एक चीज आपको क्लियर हो गई, पॉलिश स्ट्रिंग्स क्या है। पॉलिश स्ट्रिंग्स हैं वो एक्सप्रेशन जो कि एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करके बनाई जाती हैं, क्लियर, ताकि जो मशीन है, जो कंप्यूटर है, वो एरिथमेटिक एक्सप्रेशन को रिकॉग्नाइज कर सके, सॉल्व कर सके। उन स्ट्रिंग्स का नाम पॉलिश स्ट्रिंग रखा गया। पोलैंड के मैथमेटिशियन हैं जैन लक्साविज, इनके नाम पर पॉलिश स्ट्रिंग नाम रखा गया। तो जो पॉलिश स्ट्रिंग्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। ये दोनों ही किस तरीके से कन्वर्ट होती हैं, ओके, ये हम समझेंगे। तो एक चीज़ और समझ लीजिए, नोटेशन क्या होता है। कोई भी एक्सप्रेशन हो गई, ठीक है, मतलब जैसे एरिथमेटिक एक्सप्रेशन में कोई भी एक्सप्रेशन हो गई, उसे किस तरीके से लिखा गया है, इनफिक्स तरीके से लिखा गया है, पोस्टफिक्स तरीके से लिखा गया है, या प्रीफिक्स तरीके से लिखा गया है, वो कहलाता है नोटेशन। अब आपको इनफिक्स क्या होता है, तो एरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो हम मैथ में लिखते हैं, जिस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, उसे बोला जाता है इनफिक्स नोटेशन। लेकिन कंप्यूटर जो है वो इनफिक्स नोटेशन को नहीं समझता, क्लियर, तो कंप्यूटर समझता है प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स को। तो देखते हैं आगे, तो एरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो है वो तीन तरीके से लिखी जा सकती है, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स को हम पॉलिश नोटेशन भी बोल सकते हैं और पोस्टफिक्स को रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी बोल सकते हैं हम। ओके, हम मैथ में जो लिखते हैं, ओके, वो इनफिक्स होता है, क्लियर है ये चीज। अब एक चीज और देखिए कि इनफिक्स नोटेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रही हो तो। जैसे ये एक्सप्रेशन है, हम मैथ्स में इसी तरीके से लिखते हैं, लेकिन यही एक्सप्रेशन जो है वो अगर प्रीफिक्स में लिखी जाए तो वो ऐसी हो जाएगी, मीनिंग वही रहेगा एक्सप्रेशन का। ओके, कंप्यूटर कन्वर्ट कर लेगा इस इनफिक्स वाली एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में, लेकिन जो आउटपुट आना होगा, जो मीनिंग रहेगा, जो वैल्यू आनी होगी आंसर, वो सेम रहेगा। अगर पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेगा तो इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो इनफिक्स नोटेशन में क्या होता है, जो एक्सप्रेशन होती है उसमें दो चीजें होती हैं, या तो ऑपरेटर्स होते हैं, ओके, या ऑपरेंड होते हैं। ऑपरेटर्स जैसे प्लस, माइनस, ब्रैकेट्स, ऑपरेटर्स। ऑपरेंड्स मीन्स जो वैल्यूज होती हैं, क्लियर, जैसे वेरिएबल्स या कोई वैल्यू। तो जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेंड्स के मिडिल में लिखे जाते हैं, ओके, उनके बीच में लिखे जाते हैं इनफिक्स नोटेशन में, क्लियर। लेकिन प्रीफिक्स नोटेशन में क्या होता है, जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेंड से पहले लिखे जाते हैं, लेकिन पोस्टफिक्स नोटेशन में जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेंड्स के बाद में लिखे जाते हैं, क्लियर। प्री मीन्स पहले, पोस्ट मीन्स बाद में, इन मीन्स बीच में। ओके, तो किस तरीके से कन्वर्जन होता है, एक एग्जांपल और ये देख लो यहाँ पे कैसे ये दिखते हैं। तो इनफिक्स में, जैसे मैथ्स में आप इसे सॉल्व कर लोगे, अगर आपको ये दिया जाए, ए की वैल्यू कुछ दी जाए, बी, सी और डी, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन कंप्यूटर के अंदर बॉडमास का ऐसा कुछ रूल तो होता नहीं है कि उसे पता है क्या पहले सॉल्व करना है, तो वो इस तरीके से कन्वर्ट कर लेगा एक एक्सप्रेशन को, और जो भी वैल्यू पास कराई होगी, ए वेरिएबल की, बी की, सी की, डी की, वो उसे सॉल्व कर देगा, क्लियर। अगर पोस्टफिक्स में होगा तो ऐसे, और
अगर कितनी भी बड़ी एक्सप्रेशन हो, कैसी भी एक्सप्रेशन हो, वो कन्वर्ट कर लेगा प्रीफिक्स में ऐसे और पोस्टफिक्स में ऐसे। ओके, तो मोस्टली मैं दोनों समझाऊंगा कि इनफिक्स को प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, और वापस प्रीफिक्स से इनफिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, पोस्टफिक्स से इनफिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। ओके, तो एक ये एक्सप्रेशन दी गई है जो कि इनफिक्स नोटेशन में है जो आपको नज़र आ रहा है। अब इसको हमें पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है। एक बात तो बता दूं, पोस्टफिक्स नोटेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्सप्रेशन को किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे हम, तो जो पॉइंट्स मैं आपको बताता जाऊँ उन्हें ध्यान से सुनिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा। आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि कितना लंबा प्रोसेस है, जबकि ऐसा कोई ये लंबा प्रोसेस नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तीन कॉलम्स हैं, एक एक्सप्रेशन स्टैक के, दूसरा ऑपरेटर स्टैक के, तीसरा बची हुई एक्सप्रेशन। अब हमें क्या करना है, जैसे कोई ऑपरेटर आ रहा है पहले तो वो ऑपरेटर वाले कॉलम में रखेंगे, वेरिएबल्स आ रहे हैं तो वो एक्सप्रेशन वाले कॉलम मतलब स्टैक में रखेंगे। ओके, अब देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है ऑपरेटर, तो वो ऑपरेटर स्टैक में हमने रख दिया, बची हुई एक्सप्रेशन ये रही। अब बची हुई एक्सप्रेशन देखना। ओके, अब एक ब्रैकेट था मतलब एक पेरेंथेसिस था, वो आ गया ऑपरेटर यहां पे आ गया। अब मैं बार बार ऑपरेटर नहीं बोलूंगा, आपको खुद ही ध्यान देना है कि ऑपरेटर कौन सा है और जो अल्फाबेट यानी कि वेरिएबल कौन सा है। ओके, ताकि इससे कन्फ्यूजन ना हो, मैं दो दो चीज़ बोलूँ इससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो पेरेंथेसिस आया, वो यहाँ पे ऑलरेडी एक रख चुके हैं। अब दूसरा पेरेंथेसिस आया, उसे भी हमने ऑपरेटर में लगाया। फिर उसके बाद रिमेनिंग में क्या बचा, वेरिएबल, तो उसे हमने पुट कर दिया यहाँ पे, क्लियर, एक्सप्रेशन स्टैक में। अब ए हट गया, ए हटने के बाद क्या आ रहा है, प्लस, तो वो आ जाएगा ऑपरेटर वाले में। ओके, ए हट गया, वो सॉरी प्लस हट गया, अब उसके बाद क्या आ रहा है, बी, तो बी पहुंच जाएगा एक्सप्रेशन वाले में। नेक्स्ट बी के बाद, बी को हटाने के बाद क्या बचा, पेरेंथेसिस, क्लोजिंग पेरेंथेसिस, ये क्लोजिंग पेरेंथेसिस ही तो है, और जो ये है वो ओपनिंग पेरेंथेसिस है। तो इतना ध्यान रखना है, जब जब क्लोजिंग पेरेंथेसिस आए, जब क्लोजिंग पेरेंथेसिस आए तो हमें क्या करना है, जो ऑपरेटर वाला जो स्टैक है वहां से वो सारे के सारे ऑपरेटर्स हटा के हमारे एक्सप्रेशन वाले में लगाने हैं। कौन से सारे के सारे, जब तक एक ओपनिंग पेरेंथेसिस नहीं आ जाता, क्लियर। अब मान लो यहां पे और ये माइनस होता, एक और प्लस होता, कितने भी लगे होते तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सारे हटा के ए और बी के आगे लगा देते। कब तक, जब तक एक ओपनिंग पेरेंथेसिस नहीं आता, और उसे भी हटा देना है, क्लियर। तो बी हटाया था हमने, तो बी के बाद क्लोजिंग पेरेंथेसिस, ये जैसे ही हमने देखा हमने क्या करा, प्लस को हटा के ए और बी के आगे लिख दिया, इधर वाली से क्लोजिंग पेरेंथेसिस हटा दिया, यहां से ओपनिंग पेरेंथेसिस हटा गया, तो ऑपरेटर में बचा ये और एक्सप्रेशन स्टैक में बचा ये और रिमेनिंग एक्सप्रेशन में बच गया ये। अब माइनस आया, माइनस को हमने वापस ऑपरेटर वाले में रखा। ओके, फिर सी आया, सी को हमने रख दिया एक्सप्रेशन में। फिर मल्टीप्लाई आया, मल्टीप्लाई वाले को हमने पुश करा ऑपरेटर में। फिर आया ओपनिंग पेरेंथेसिस, ओपनिंग पेरेंथेसिस को हमने यहाँ पे रखा। फिर डी आया, डी को हमने यहाँ पे रखा, क्लियर। डी के बाद क्या है, डिवीजन का साइन, वो रखा हमने ऑपरेटर वाले में। डिवीजन के साइन के बाद क्या है, ई, ई को हमने रखा यहाँ पे। ओके, अब ई के बाद क्या आ रहा है, एक क्लोजिंग पेरेंथेसिस। तो क्लोजिंग पेरेंथेसिस पे हमें क्या करना है, जितने भी यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं वो हटा देने हैं, वो और यहाँ पे लिख देने हैं। लेकिन कहाँ तक हटाने हैं, जब तक एक ओपनिंग पेरेंथेसिस नहीं आ जाता, तो खाली डिवीजन ही हट रहा है। तो डिवीजन को हटा के हमने क्या करा, पुट कर दिया एक्सप्रेशन वाले में। तो एक्सप्रेशन वाले में पुट कर दिया, लेकिन मैंने क्या बोला था, जब जब ऑपरेटर स्टैक से ऑपरेटर हटाओगे, ओके, तो एक ओपनिंग पेरेंथेसिस तक ही तो हटाना है, तो साथ में ओपनिंग पेरेंथेसिस को भी हटा देना है, क्लियर।
लेकिन ध्यान रखना ये ओपनिंग पेरेंथेसिस और क्लोजिंग पेरेंथेसिस एक्सप्रेशन वाले में नहीं पहुंच जाए, क्लियर? उन्हें हटा के मतलब डिलीट कर देना एक तरीके से। तो बची हुई एक्सप्रेशन क्या हुई, और यहां से भी ये क्लोजिंग हटेगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये। तो अब बच गई एक्सप्रेशन इतनी, फिर क्या है, एक और क्लोजिंग पेरेंथेसिस। तो अब हमें फिर से यही स्टेप करना है, ये बचे हुए पुट कर दिए हमने यहां पे, ओके, और ओपनिंग पेरेंथेसिस तक ही तो हटाते हैं, तो उसे भी हटा दिया। अब बचा हुआ प्लस, प्लस हमने ऑपरेटर स्टैक में पुट किया, एफ, एफ हमने पुट किया यहां पे, अब कुछ नहीं बचा, ओके, रिमेनिंग कुछ बचा ही नहीं, तो प्लस को हटा के वापस पुट कर देना है एफ के आगे, क्लियर? तो हमारी जो एक्सप्रेशन है वो ये बन गई है। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन थी जो कि पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हो चुकी है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, दोबारा सुन लेना इसको अगर थोड़ी सी भी बीच में कन्फ्यूजन हुई हो तो, बहुत ही ईजी है, समझ में आ जाएगा, ओके? तो ये इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इनफिक्स से प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करोगे आप? तो बहुत इजी एक प्रोसेस है, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए बस। तो हमें क्या करना है, कोई मान लो ये इनफिक्स एक्सप्रेशन दी गई है जो हम मैथ में जिस तरीके से यूज करते हैं खुद, तो इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को कर लेना है हमें रिवर्स। इस तरीके से ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब जो पहले आ रहा है वो लास्ट में पहुंच जाएगा, क्लियर? बस जब रिवर्स करो तो इतना ध्यान रखना है कि जो ओपनिंग वाला है वो क्लोजिंग बन जाएगा, जो क्लोजिंग वाला है वो ओपनिंग बन जाएगा, मतलब ब्रैकेट को भी एडजस्ट करना है, वो तो आप 12th में हो इजीली, ओके, इतना तो कर लोगे आप भाई नो। तो इनफिक्स से प्रीफिक्स में कर रहे हैं, पोस्ट फिक्स आपको आता ही है, पहले रिवर्स करा इनफिक्स एक्सप्रेशन को, ब्रैकेट्स का भी ध्यान रखा, उसके बाद जो एक्सप्रेशन बन जाती है ये इनफिक्स ही तो है जिसको हमने रिवर्स कर दिया है। अब इसका हमें क्या करना है, पोस्ट फिक्स निकालना है, क्लियर? इसका पोस्ट फिक्स ये निकल के आ गया, ओके। अब ये जो पोस्ट फिक्स बन के आया है, इस पोस्ट फिक्स का कर लेना है हमें रिवर्स, क्लियर? प्रोसेस क्लियर है, ओके। तो इस तरीके से इनफिक्स जो है वो प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो गया, ये इनफिक्स था, लास्ट में हमें ये प्रीफिक्स में मिल गया, बस हमें रिवर्स का ध्यान रखना है कब कहाँ रिवर्स करना है, ओके। और बस प्रीफिक्स में, सॉरी पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इनफिक्स को प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको समझ में आ गया? अब हम देख लेते हैं कि कोई पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है उसे किस तरीके से हम इनफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। एग्जाम में आ सकता है ये। अब मान लो ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दे रखी है ऊपर, इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे इनफिक्स में, आपको बोल दिया 3 नंबर का या 4 नंबर का अगर ये आ गया तो सिंपल स्टैक का यूज करेंगे। स्टैक आप लास्ट ट्यूटोरियल में क्लियर हो चुका है आपका, ऐसा स्टैक एक ऐसा डेटा टाइप है जो क्या करता है, लीफो को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ है वही सबसे पहले जाता है। डेटा स्ट्रक्चर का ट्यूटोरियल देख लेना, दोनों ही चैप्टर हैं, लीनियर लिस्ट और स्टैक्स एंड क्यूज वाले। तो दिस इज अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अब हमें देखो क्या करना है, ये इस तरीके से मैंने एडजस्ट किया हुआ है, इसको मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ वहां से उठा के, यहां पे रख देता हूँ, ओके, ताकि थोड़ा इस बॉक्स में ये एडजस्ट हो जाए स्क्रीन पर। अब देखो तो सबसे पहले क्या आया, ए, सबसे पहले ए पुट कर दिया हमने, फिर बी आया, बी पुट कर दिया, सी आया, सी पुट कर दिया। जैसे ही कोई ऑपरेटर आए तो हमें क्या करना है, लास्ट के दो ऑपरेंड्स जो हैं उनके बीच में उस ऑपरेटर को पुट कर देना है, क्लियर? तो एक ऑपरेटर आ गया माइनस, तो लास्ट के जो दो ऑपरेटर थे वो थे बी सी, तो हमने उसे पुट कर दिया यहां पे। ब्रैकेट भी लगाते जाना क्योंकि जब ये एक्सप्रेशन बड़ी होती जाएगी, आपको दिख ही रहा है बड़ी एक्सप्रेशन है, तो कन्फ्यूजन ना हो कोई। अब फिर आया प्लस, अब मैंने क्या बोला, लास्ट के जो दो ऑपरेंड्स हैं उनके बीच में कर देना है, तो लास्ट के दो ये हैं तो इनके बीच में प्लस आ गया, क्लियर? ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, ब्रैकेट्स लगाते जाइएगा, ए प्लस ब्रैकेट वन ए माइनस सी, ओके। फिर आया डी, डी पुश किया, ई आया, ई पुश किया, माइनस आया, माइनस रख दिया हमने डी माइनस ई, एफ आया, एफ पुश किया, जी आया, जी पुश किया, फिर आया माइनस, माइनस पुट हो गया एफ माइनस जी के पास, क्लियर? एच आया, एच पुश किया, यहाँ पे नीचे देखो
एच आया, एच पुश किया, फिर प्लस आया, तो एच ये इस तरीके से हो गया, एफ माइनस डी ब्रैकेट वाला प्लस एच। ओके, इसको कैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे ऐसे लिख दो। ओके, फिर डिवाइड आया, डिवाइड आया तो लास्ट के दो, ये दो हैं इनके बीच में हो गया डिवाइड, ये आपको दिख रहा है, डी माइनस ई एफ माइनस जी प्लस एच। क्लियर, एच को पहले लिख दो, कोई दिक्कत ऐसी कुछ है नहीं, मैं ऑलरेडी मैथ के इतने बेसिक्स तो आपको आते हैं। फिर डिवाइड आया, अब आया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या होगा, लास्ट के दो, ये दो बच्चे, इन दोनों के बीच में हो गया, तो फाइनल जो इनफिक्स एक्सप्रेशन बन के आई है वो ये है। क्लियर हो गई ये चीज़ कि पोस्ट फिक्स से हम प्री फिक्स में कैसे, सॉरी पोस्ट फिक्स से हम इनफिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, अब बात आती है कि प्री फिक्स से इनफिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल यही प्रोसेस है, बट हमें क्या करना है, जो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दी गई है उसे क्या कर लेना है, रिवर्स कर लेना है। क्लियर, रिवर्स कर लेना है, या अगर रिवर्स करके लिखने का मन भी ना हो तो आप क्या कर सकते हो, अब जैसे मान लो ये क्या है, ये पोस्ट फिक्स है, आप लेफ्ट साइड से उठा के स्टैक में पुट कर रहे हो, है ना, लेकिन अगर मान लो ये प्रीफिक्स होती, लेकिन ये है नहीं प्रीफिक्स, अगर ये प्रीफिक्स होती और इसे कन्वर्ट करना है इनफिक्स में, तो हम लेफ्ट से नहीं राइट साइड से उठाते। क्लियर, अब मैं एक बार बता दूं, वहां पे राइट साइड में ऑपरेटर्स नहीं आते अगर ये प्रीफिक्स होती तो, ऑपरेंड्स होते। ओके, बस यही प्रोसेस है, सेम स्टेप्स ये पूरे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो ये पॉलिश स्ट्रिंग्स बहुत इजी टॉपिक है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, एक दो बार आप खुद करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, बाकी के ट्यूटोरियल्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उन सब के लिंक्स हैं, चेकआउट कर लो, नोट्स भी हैं उनको भी चेकआउट करो, एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स को बताओ जो इस बार सेशन में 12th में आने वाले हों, उनको स्प्रेड करो, ताकि स्टार्टिंग में उनको सारा कंटेंट अवेलेबल हो और वो बेहतर तरीके से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर पाए और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। एंड अगर अभी तक आपने टॉपर जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना ट्यूटोरियल को, शेयर करो। ओके, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा आपको ये ट्यूटोरियल। थैंक